कहाँ थे अब तक? मैंने दो कप चाय पी ली। अरे हाँ, गुरुंग बाजार गया है, तुम कुछ खाओगे? नहीं। पार्टी कैंसिल कर दो। मतलब? मन उदास हो गया। देखो, तुमसे कुछ छुपा तो नहीं है, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मेरे नेबर। ये तुम्हें कहाँ मिला? उससे भी बड़ी बात है कि मेरी जेब में कैसे आई। कहाँ कहाँ गए थे? बस वही यूजुअल वॉक, फिर बॉब दास से मुलाकात हुई, फुटबॉलर मॉल के पीछे, फिर वो फिल्म मेकर, क्या नाम है, विजय, शीला के साथ ग्लेनरीज में, शुभंकर के साथ उसके घर पे। यानी ग्लेनरीज में ही किसी ने ये तुम्हारी जेब में डाल दिया होगा। लेकिन क्यों किया ऐसा? अरे भाई, तुम ठहरे मशहूर आदमी, तुम्हारे दुश्मन क्या कम है? पहले कभी तुम्हें क्रैंक कॉल नहीं मिले? ये बेशक उस जयसवाल का काम है, इतने सारे पैसे उधार लेकर वापस भी नहीं किए। अरे भाई, सोचा था सब बेच दूंगा, इतने सारे बंगलोज लेकर क्या करूंगा, रमा तो ज्यादातर बाहर रहती है, फिर सोचा जाने दो, पुश्तैनी जायदाद है। मैंने बोला उससे पैसे लौटा दूंगा। अरे यार, जाने भी दो, ये सब बेकार की धमकी है, इतना सोचो मत। अच्छा, पैसे ना लौटाने पर कोई पनिशेबल क्राइम है? आजकल बहुत कुछ पनिशेबल है, रास्ते पे आजकल सिगरेट पीना भी क्राइम है। छोड़ो छोड़ो ये सब बातें, सुनो, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं, स्नैक्स में तुम्हारा फेवरेट एक पकोड़ा रहेगा और चिली पोक मैं खुद बना के लाऊंगा। डॉक्टर नीमा को आज ज्यादा भाव शाव मत दो, थोड़ा ऐश वैश करो, चलो। अरे क्या सोच रहे हो, चलो चलो चलो। Cause in the end, yes in the end. रंजन गांगुली, लेखक, डिटेक्टिव स्टोरीज लिख के बहुत फेमस हो गए। करीब एक साल पहले उन्होंने दार्जिलिंग में घर खरीदा। टोनी रॉय के पड़ोसी और खास दोस्त। A crown of thorns, your heart will bleed like it always bled. Your body's left tired on the same old bed. और ये हूँ मैं, अमिताभ बैनर्जी। चार साल तक मुंबई में मुंबई न्यूज चैनल का रिपोर्टर था।